आदि चरण कमर चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्रीमते रामचंद्र श्री सीतानाथ समारंभा श्री राम
सभी लोग भाव के साथ मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करते हुए भगवान नाम का सभी लोग मिलकर के आश्रय लेंगे। प्रयाग की धरा है, गंगा यमुना सरस्वती का ये किनारा है, संतों का संग है, भागवत की कथा है, तो सभी लोग संकीर्तन भाव के साथ में करेंगे। जय 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 हनुमान Krishna, Krishna, Hare Hare.
सरकार प्रेम जीवन धन राधा माधव सरकार के युगल पद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन करने वाले परिव्राजकाचार्य परमहंस अवधूत शिरोमणि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए तथा भगवान के भजन में लगे हुए सभी अमलात्मा विमलात्मा ऋषिश्वर मुनीश्वर संत महापुरुषों के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जिनकी छत्र छाया में पावन सानिध्य में बैठ करके हम लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, श्री श्री 1008 श्री श्री आनंद पीठाधीश्वर स्वामी श्री आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज तथा उनके शिष्य प्रशिष्य स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज उपस्थित सभी महापुरुष आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए मंच में उपस्थित आचार्यगण तथा विप्र वृंद यज्ञ के आचार्य सभी ब्राह्मण तथा उपस्थित सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में वंदन करते हुए भगवान की कथा में अनुराग रखने वाले सभी आप भक्तजन तथा श्रद्धा में ममता में माताओं बहनों आप सबका प्रयाग की इस धरा में तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा के इस आनंद महोत्सव में आए प्रवेश करें। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे ग्रंथ की महिमा। कथा तीन विधा से चलती है, महिमा गरिमा और मधुरिमा। महिमा उन लोगों के लिए है जो विषयी हैं, सामान्य लोग हैं, क्योंकि कथा ऐसा साधन है
जो तीनों प्रकार के जीव इसमें लाभ लेते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने और साधनों में हो सकता है हुई है भजन न तामस देहा। विषयी का प्रवेश नहीं है पर कथा ऐसा साधन है। विषयी ने कहा पुनि घरी गुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। सुनने मात्र से आनंद का अनुभव होता है इसलिए विषयी भी लाभ लेता है। पर विषयी लाभ लेगा कब? जब महिमा सुनेगा। इसको सुनने से क्या लाभ मिलेगा? विषयी को पता चलेगा किसके सुनने से ये लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, तो कहता ठीक है मामला। यदि लाभ की बात ना बताई जाए तो विषयी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। साधक वो है जो लाभ नहीं देखता, परिणाम देखता है। लाभ नहीं देखता, परिणाम देखता है। इस साधन को करने से परिणाम क्या होगा? यदि परिणाम में भगवत प्राप्ति है, यदि परिणाम में भगवत प्राप्ति है, संसार का लाभ है, संसार के जीवों का कल्याण है, तो साधक आश्रय लेता है। तो उसके लिए कथा की गरिमा, साधक के लिए कथा की गरिमा। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति ते। और जो सिद्ध जन है जिन्हें कुछ करना शेष नहीं है वो ग्रंथ की मधुरमा में रीझ जाते हैं। जब यशोदा छड़ी लेकर के बाल कृष्ण लाल को पकड़ने के लिए दौड़ती है, कौन है ये? निगम ने दी शिव अंत न पावा, पर माधुर की लीला में यशोदा पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उखल में बांध देती है और उखल में भगवान बंध जाते हैं और बंधने के बाद मुक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा यशोदा से कहते मां मुझे छोड़ दे, मां मुझे छोड़ दे। जो माधुर की लीला है जब सिद्ध जन श्रवण करते हैं तो समाधिस्थ हो जाते हैं। तो कथा तीन विधा से चलती है, गरिमा, महिमा और मधुरिमा, या ये कह लीजिए तर्क, सिद्धांत और रस। संसारी तर्क प्रधान है इसलिए संसारी के लिए तर्क, साधक सिद्धांत प्रधान है, साधक के लिए सिद्धांत, और जो सिद्ध है उसके लिए रस प्रधान है इसलिए उसके लिए रस। तो आए महिमा में प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत की महिमा गान करते हुए सनत कुमार कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बिमार क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, कलयुग में सात दिन भागवत के चरणासित होकर श्रवण करके वो भी पवित्र हो जाते हैं। कौन? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो पाप में ही पैदा हुए, पाप ही
ही जिनका जीवन है। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सरा दुराचार अनाचार में व्यभिचार में पापाचार में अत्याचार में जो लगे रहते हैं, सदा दुराचार रता, थोड़ी देर नहीं करते, सिस्टम ही पूरा पना हुआ है। बीमारगा, जो बीमारगी है, मार्ग क्या है? मार्ग वेद मार्ग है, परमात्मा तक जाने के लिए जीव मात्र के लिए हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, वेद मार्ग है। परंतु वेद मार्ग को ना मानकर जो मार्ग सोई जा कहूं जो ही भावा, जिसको जो अच्छा लगता है वही रास्ता अपना लेता है। वेद मार्ग के सिवा जो भी रास्ता है उसे विमार्ग कहा गया है, क्योंकि वेद स्वयं परमात्मा है, श्रुति भगवती हमारी मां है, हमारी मां परिचय देती है, बेटा ये तेरा बाप है, मानना पड़ता है। अब कोई निकम्मा बच्चा कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो उसे कोई समाज में अच्छा कहेगा? श्रुति भगवती जिस परमात्मा का निर्धारित करती है, जिस मार्ग को प्रशस्त करती है, वो मार्ग मार्ग है, इसके अलावा विमार्ग है। जो मार्ग श्रुति संत बतावे, शास्त्र और संत जिस मार्ग का निर्धारण करते हैं वो मार्ग है। संत क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं? तो आप रामचरितमानस उठा के देखें, जब परमात्मा भगवान श्री राम पढ़ने के लिए गए और पढ़ करके जब आए तो उनका जो वेद मार्ग प्रारंभ हुआ, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। ये वेद मार्ग है, ये वेद मार्ग का पहला अध्याय है, सदगुरु को प्रणाम करना, संसारी जीवन में माता पिता को प्रणाम करना। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्मे रामचंद्रो दयालु, नानम जाने नैव जाने न जाने। चाहे विशेष धर्म के अनुयायी हो या सामान्य धर्म के अनुयायी हो, या विशेषतर धर्म के अनुयायी हो या विशेषतम धर्म के अनुयायी हो, चारों धर्म के अनुयायियों के लिए जो रास्ता निर्धारित किया गया, आज क्या हो रहा है? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। इतने निडर हो गया समाज, कई प्लेटफॉर्म में हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में, बाबा जी थोड़ा मेरा थैला उठा देना। अरे घर से उठा करके तू टांग करके लेकर के चला आया, कितना बड़ा अपराध करने जा रहा है। जिन संतों की सेवा करनी चाहिए उन संतों से हम सेवा की भावना रखते हैं, जिन संतों को के अनुकूल हमको होना चाहिए हम उन संतों को अपने अनुकूल बनाते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। मिले ही जो संत, संत मिल जाएं और हो ही यानी उनके अनुकूल हम बन जाएं। पर इसका अर्थ लोग अपने अपने हिसाब से लगा लेते हैं, बोले संत हमारे अनुकूल हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी। अरे भक्ति संत के अनुकूल होने से तुम्हारे अनुकूल यानी तुम्हारे जैसा बन जाए? नहीं, आपको संत के अनुकूल होना पड़ेगा। यदि साधु
तीन बजे जगता है तो आपको तीन बजे जगना पड़ेगा। संत भजन करते हैं तो आपको भी भजन करना पड़ेगा। संत सेवा करते हैं तो तुम्हें भी सेवा करनी पड़ेगी। प्रयाग क्या है? ये संसार के लिए शिक्षा है कि देखो संत कितने विशाल रूप में सेवा कर रहे हैं।